हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ जैन तवा पुलाव। ये बहुत ही जल्दी से बनके रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने तवा पुलाव बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, टमाटो लिया है, कैबेज लिया है, कैप्सिकम लिया है और मैंने यहाँ पर बॉयल मटर लिए है। सबकी क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है। मैं यहाँ पर बॉयल राइस ले रही हूँ, 1 बाउल मैंने यहाँ पर बॉयल राइस लिए हैं। चलिए हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून बटर ले रही हूँ, 1 टीस्पून मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। दोनों चीज़ मैं यहाँ पर 1 स्पून ले रही हूँ। आप देख सकते हैं 1 स्पून मैंने यहाँ पर घी ऐड करा है। मैं यहाँ पर जिंजर पाउडर ऐड कर देती हूँ, जिसको सोल्ट भी बोला जाता है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर जिंजर पाउडर ऐड करा है, सोल्ट। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सोल्ट आपको ज़रूर ऐड करनी है। अब मैं सबसे पहले अपनी जो कैप्सिकम है, मैंने देखिए स्क्वायर स्क्वायर शेप में कैप्सिकम चॉप्ड करी है। अब मैं सबसे पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ। हमें ऐसा फ्राई करना है कि ज़्यादा ब्राउन भी ना होए और इनका कच्चापन भी निकल जाए। अब देख सकते हैं मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। बहुत ही अच्छे से हमें इसको फ्राई करनी है। देखिए ज़्यादा ब्राउन भी ना होए और हमारी अच्छे से फ्राई भी हो जाए। अब मैं यहाँ पर अपनी कैबेज ऐड कर देती हूँ। कैबेज को मैंने वॉश करने के बाद बॉयल कर लिया था। ज़रूरी है बॉयल करना, आप देख सकते हैं, क्योंकि हल्का सा कीड़ा वगैरह का डर रहता है। रेनी वेदर चल रहा है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चॉप करने के बाद थोड़ा सा बॉयल ज़रूर कर लें। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पर 2 टमेटो चॉप टमेटो ऐड कर लेती हूँ। हमें अपनी सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करना है कि इनका कच्चापन निकल जाए। बट हमें इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन फ्राई नहीं करना है, बस आपको इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, जिससे कि इनका जो कच्चापन होगा टमाटो का, कैप्सिकम का, कैबेज का, तीनों का अच्छे से जो कच्चापन है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं मैं इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, मिक्स भी कर रही हूँ। ऐसे ही हम 5 से 7 मिनट के लिए इनको ढक के भी रख सकते हैं। देखिए मैंने ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर एक बाउल ले रही हूँ। बाउल में मैं 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं आपके पास होममेड पाव भाजी मसाला है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या मार्केट में जो मिलता है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर जो होता है मैं वो ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून हमने यहाँ पर पाव भाजी मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ही वाटर लेना है हमें, 4 टीस्पून हमने यहाँ पर वाटर ऐड करा है। अब हमना जो ये पेस्ट है हम इसको ऐड कर देंगे। उससे पहले मैं इसमें अपनी जो हरी मटर है वो ऐड कर देती हूँ। मटर भी हमने बॉईल कर रखी थी तो हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपको कि सारी वेजिटेबल अपने में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ली हैं। बहुत ही अच्छा डिफरेंट एक टेस्ट आता है जैन तवा पुलाव में, तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं मैं अपना जो मैंने बनाया था पाव भाजी एंड रेड चिली पाउडर का पेस्ट, मैं वो ऐड कर देती हूँ। सारा पेस्ट हमें ऐड कर देना है इसमें। इसमें हम और कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर नहीं ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें सिर्फ यही चीज़ ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर अपना जो पेस्ट है वो मिक्स कर लिया है। जो भी मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ अपनी रेसिपी में वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट डाउन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं अपने जो बॉइल्ड राइस है वो ऐड कर देती हूँ। देखिए अब आपको इनको ध्यान से मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे से मैं इनको मिक्स कर लेते हैं।
स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे तो बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएंगे, जैसे हम चाउमीन को चलाते हैं ना, वैसे ही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं। देखिए मैंने अपने जो राइस हैं वो मिक्स कर लिए, कितने अच्छे राइस हमारे बन के रेडी हुए हैं आप देख सकते हैं। हमने इसमें कोई रेड चिली पाउडर का ऐड नहीं करा है, हमने कोई इसमें कोरिएंडर पाउडर का ऐड नहीं करा है। देखिए फिर भी इनका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट बन के आता है, तो आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। मैं इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देती हूँ। पहले हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून में यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने जब सॉल्ट ऐड करा था जब हमने राइस को बॉयल करा था, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आप राइस बॉयल करते हुए सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ्राई करने में सॉल्ट कम ऐड करना है, क्योंकि नहीं तो सॉल्ट तेज होएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हाफ हाफ स्पून मैंने यहाँ पर फ्राई करने में ऐड करा, हाफ स्पून मैंने यहाँ पर बॉयल करने में ऐड करा था। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अब हम इनको भी अगेन मिक्स कर देते हैं अच्छे से। हमारे जो पुलाव हैं बनके रेडी हो गए हैं। मैं यहाँ पर कोरिएंडर लीव ऐड कर रही हूँ। चलिए अब हम इनको जल्दी से सर्व कर लेते हैं। मिक्स कर देती हूँ पहले मैं, फिर इनको मैं सर्व करती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो पुलाव हैं वो बनके एकदम परफेक्ट रेडी हो गए हैं। चलिए अब मैं फटाफट से इनको सर्व करती हूँ। आप मुझे फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरे से पर्सनल जुड़ना चाहते हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरी रेसिपी कितनी पसंद करी जा रही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।